Hello students, welcome to the channel City Commerce Concepts, and today we are going to start our new topic of economics, that is domestic income, private income, personal income and disposable income. In my previous video we have already completed the theoretical part of national income and some questions of boards also. उसमें मैंने थ्योरी के साथ साथ आपको जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कराए फ्रॉम बेसिक टू मीडियम. तो आप उसको एक बार देखिएगा, ठीक है. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डोमेस्टिक इनकम, सो लेट्स बिगिन. ओके, सो द व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? द ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम इज द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी विद इन अ स्टेट. इट इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल वेजेस, प्रॉफिट्स एंड टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हो गया? वो सारा पैसा जो क्या है, जो आपके हर सेक्टर से आपको मिल रहा है, ठीक है, एंड जो भी आप जिस भी तरीके से आप अपनी कंट्री में कमा रहे, जहां से भी वो पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम. एंड कितना पैसा कमाया आपने, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो आपका डोमेस्टिक इनकम कहलाता है. ओके, सो हियर इट इज द डोमेस्टिक इनकम को हम और क्या बोलते हैं? NDPFC. ठीक है, दैट इनकम अर्न फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर. यानी कि जब आपको पैसा आता है, इसको ध्यान से समझिएगा, अब आपकी कंट्री में जो पैसा आ रहा है वो पैसा क्या है? वो किसी सेक्टर से आ रहा है, यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है और एक गवर्नमेंट सेक्टर से आ रहा है. ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, यानी कि इनकम अर्न फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, एंड पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर से आ रहा है. ठीक है, एंड देन अगेन द इनकम अर्न फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर से भी जो पैसा आता है वो भी क्या, वो भी उसके भी टू पार्ट्स हो जाते हैं. यानी कि द फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. यानी कि सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी पैसा कहाँ से आ रहा है? ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आ रहा है? जो उसके अपने खुद के डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, ठीक है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, तो उससे जो क्या है उसको पैसा आ रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? गवर्नमेंट सेक्टर हो गया. एंड उसमें हम क्या ऐड करते हैं? सेविंग ऑफ नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइजेस. ठीक है, यानी कि जितने भी नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइजेस है वो भी क्या हो जाता है? वो उनके लिए एक इनकम हो जाती है. ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो है इसमें, हम उसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को क्या है, इंक्लूड करेंगे. हाँ, ठीक है, दोनों को इंक्लूड करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा. और अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे उसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर के डिपार्टमेंट के कुछ नाम दिए होंगे, ठीक है, आपको नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइजेस की सेविंग्स दी होंगी, तो आप उसको भी अगर एड करेंगे तो आपका क्या है, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, प्राइवेट इनकम. ओके, सो हियर इट इज अ प्राइवेट इनकम. Factory income earning to private sector, net factory income from abroad, current transfers from government and current transfer from rest of the world. Okay, तो factory income earning to private sector, factory income और transfer payment दो आपने चीजें पढ़ी थी. Factory income का मतलब क्या होता है कि आप जो आपके खुद की कमाई का पैसा है, आपकी मेहनत का जो पैसा है, that is called factory income. ठीक है, आपकी जो भी, आपकी जो, यानी कि जो भी हम लोगों ने domestic income में पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने डोमेस्टिक इनकम में क्या पढ़ा कि जो आपका खुद का पैसा है, जो आप कहाँ से कमा के ला रहे हैं, दैट जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो क्या हो जाता है? हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है. तो ये क्या है? ये वही प्राइवेट सेक्टर हो गया. अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी कि उस प्राइवेट सेक्टर से पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको लेंगे. प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर कि NFI होता क्या है. नेक्स्ट आता है करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट से कोई भी ट्रांसफर आता है, यानी कि जैसे गिफ्ट आता है, सब्सिडीज हो गई, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको हम, ये हमारी क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्राइवेट इनकम. एंड करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया कि इंडिया से को छोड़कर बाहर से जो भी पैसा आया, ठीक है, इंडिया को छोड़ के बाहर से आपका जो भी पैसा आया, ठीक है, आप जैसे कंपनीज में हम लोग क्या है कि हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वो क्या है कि वो अगर इंडिया की अगर हम बाहर सेटअप करते तो वहाँ क्या है, वहां से पैसा आता है. ठीक है, तो वो ये सब क्या होता है, दीज ऑल आई वैन कॉन्क्लूड, और जब हम चारों चीजों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा प्राइवेट इनकम बनता है. तो प्राइवेट इनकम कहाँ से हमारी होती है, यानी कि वो इनकम, ठीक है, जो क्या है प्राइवेट सेक्टर से आती है, NFIA, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी गिफ्ट या सब्सिडी जो भी मिलता है गवर्नमेंट से, कोई भी ट्रांसफर आता है, एंड प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट इज
personal income. Okay. So it is a sum total of all the incomes that are actually received by households from all the sources. ठीक है, तो यानी कि वो हाउसहोल्ड का मतलब क्या है? अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा कि फैक्टर इनकम ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, तो ये क्या हो गए? हाउसहोल्ड. तो यानी कि वो सारा, इट्स सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेस. और वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम विच इज रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड ओनली. ठीक है, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स एंड माइनस रिटेन अर्निंग्स. चलिए इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि ये होता क्या है. यानी कि जैसे आपकी कंपनी है, कंपनी में जो भी पैसा आता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसका अपना पैसा हुआ. अब उसमें से जो आपको मिलता है वो एक अलग पैसा हुआ. तो जो कंपनी को मिल रहा है वो उसकी क्या हो गई, वो उसकी पर्सनल इनकम हो गई है. ठीक है, तो पर्सनल इनकम में से क्या करेंगे हम, आपकी जो प्राइवेट इनकम है माइनस उसमें क्या होगा, आपका टैक्स होगा. ठीक है, उसमें से क्या माइनस होगा, यानी कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी को जो भी प्रॉफिट, कंपनी को जो भी पैसा मिला है उसमें वो क्या करेगी, वो टैक्स पे करेगी. ठीक है, कंपनी से जो भी इसको प्रॉफिट होगा अपना टैक्स पे करेगी. और उसमें से माइनस रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या हो गया कि वो अब वो जैसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में आप वर्क करते हैं, ठीक है, आपको उसमें मान लेते 50,000 सैलरी मिलती है. ठीक है, वो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और उसको मान लेते हैं कि 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ. अब वो क्या करेगी, उस 2 लाख रुपीज का सबसे पहले वो टैक्स पे करेगी. ठीक है, टैक्स पे करने के बाद उसमें से वो कुछ पैसे वो क्या करेगी, कुछ पैसे को वो अपनी सेविंग्स, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी को मेंटेन करने के लिए या उसमें कुछ और भी शेयर्स या बॉन्ड के लिए उसको रखेगी. ठीक है, क्योंकि वो जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट ऐसा नहीं कि वो आप सब में बांट देगी, नहीं, वो क्या करेगी, उस प्रॉफिट को पहले अपनी कंपनी के लिए रखेगी और फिर उसमें से का जो पार्ट है वो आपको उसमें से देगी. ठीक है, तो वो क्या है, लेकिन आपकी वो पर्सनल इनकम में ऐड नहीं होता है. ठीक है, तो पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे कि जो भी हमारी कंपनी की इनकम है दैट इज प्राइवेट इनकम, उसको हम जो भी टैक्स देंगे वो टैक्स को डिडक्ट करेंगे और जो वो अपनी सेविंग्स के लिए निकालेंगे दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं. ठीक है, रिटेन अर्निंग्स को, तो उसको हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, पर्सनल इनकम. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम इज ऑल्सो नोन एज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट हाउसहोल्ड्स हैव अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग आफ्टर इनकम टैक्सेस हैव बीन अकाउंटेड फॉर. ओके, पीडीआई यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और इनकम को हम वाई से भी डिनोट करते हैं तो उसको कभी कभी पीडीवाई भी लिखा जाता है. तो उसमें क्या करेंगे, पर्सनल इनकम माइनस पेबल टैक्सेस एंड माइनस मिसलेनियस रिसीप्ट्स. अब देखिए, अभी जो आपको इनकम मिली थी, ठीक है, वो हमने क्या बोला है कि वो कंपनी की इनकम थी. अब उसके बाद आपको सैलरी मिलती है. अच्छा, जब आपको सैलरी मिलती है तो क्या वो पूरी सैलरी 50,000 आपको पूरी एज इट इज मिलती है, क्या आप वो पूरी 50,000 को बिल्कुल वैसे यूज करते हैं जैसा आप सोचते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि उस 50,000 में अब हमको क्या पे करना है, अब हम उसमें पहले टैक्स पे करेंगे. ठीक है, हम अपनी सैलरी का हम उसमें, क्योंकि कंपनी जो पे कर रही थी वो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया और हम जो पे करेंगे वो इनकम टैक्स हो गया. तो हम क्या करेंगे, अपनी पर्सनल इनकम में से हम उसमें टैक्स को पे करेंगे. देन माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि हमने कोई ईएमआई लिए, कोई लोन लिया है, तो वो भी हमारी सैलरी से क्या होगा, डिडक्ट होगा. क्योंकि अगर हमने मान लीजिए कोई लास्ट एजुकेशन लोन लिया है 5 साल का, तो वो लोन क्या है, हमारे अकाउंट से उसका पैसा क्या है, वो कटता जाता है. तो अगर आपको कहीं से आपकी अगर इनकम आ रही है तो क्या होगा, वो बैंक जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी उस इनकम से अपने लोन का ईएमआई का पैसा डिडक्ट कर लेता है क्योंकि आपने उससे लोन लिया है, तो वो भी डिडक्ट होगा. यानी कि 50 में से अगर आप मान लीजिए आपके 5-6,000 आपके टैक्स चला गया, 5,000 आपका चला आपके लोन या ईएमआई में चला गया, तो आपके पास सैलरी कितनी आई, मान लेते 35 या 40 अप्रोक्स आई. तो ये क्या हो गई, ये हो गई डिस्पोजेबल इनकम, कि जिसको अब आप क्या है, आप अपने तरीके से उसको स्पेंड कर सकते हो और उसमें से अगर आप जो भी सेव करना चाहो वो कर सकते हो. तो इसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको सब टॉपिक क्लियर हुए होंगे, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं समझेंगे तो आपको जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको क्लियर नहीं होंगे. ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड टू अदर स्टूडेंट्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.